अब ऐसी खबर की बात करते हैं जिसको सुनकर आपको थोड़ी बहुत हैरानी हमारे सिस्टम पर होगी, क्योंकि सवाल उठे हैं सिस्टम पर ही। मनु भाकर को लेकर यह पूरा मामला है। मनु भाकर का प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार में चयन नहीं हुआ, इसके बाद मनु भाकर के पिता का दर्द सोशल मीडिया पर सामने आया। मनु भाकर के पिता सरकार से खफा दिखाई दिए और उन्होंने सीधे सीधे चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर का प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयन नहीं हुआ, इसके बाद मनु भाकर के पिता राम किशन भाकर ने नाराजगी जाहिर की, सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। मनु के पिता ने कहा कि एक साल में 22 मेडल लेने वाले खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया में इग्नोर किया गया, जबकि मनु भाकर के पिता को शक है कि मंत्रालय में रिश्तेदारों के बच्चों को पुरस्कार देने के लिए उनका चयन किया गया। मनु भाकर के पिता ने सरकार की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए। मनु भाकर ने भी मेरी बेटी ने ये फॉर्म भरा था और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड मिलने की दावेदार थी, लेकिन पिछले साल की भांति इस साल भी मनु को यह अवार्ड नहीं मिला। आपको बता दें कि इस साल भारतीय बाल कल्याण परिषद ने असाधारण बहादुरी के लिए 26 बच्चों को पुरस्कार देने के लिए चुना है। इन 26 बच्चों में हरियाणा से 6 खिलाड़ी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रपति को ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो इतने अचीवमेंट के बाद में इसका नंबर आना चाहिए था, और यदि नंबर नहीं आया, यदि इससे भी अच्छा कोई खिलाड़ी है तो मैं चाहूँगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करेगी भी आपकी बेटी कहीं इस लायक ही नहीं थी। अब एक खिलाड़ी के पिता की बात पर सरकार संज्ञान लेती है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि एक योग्य खिलाड़ी को उसके हक से वंचित करना उस खिलाड़ी के हौसले को पस्त करने जैसा होगा, और यही मनु भाकर के पिता ने महसूस किया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अब ऐसे में कई तरह के सवाल हमारे मन में भी है, आपके मन में भी होंगे, और उन सवालों के जवाब खुद मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर से ही जानते हैं। हमारे साथ सीधे वो जुड़ चुके हैं। रामकिशन जी, सबसे पहले साधारण भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को भी कि आखिरकार क्या ऐसा गलत हुआ कि आपने सरकारी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए, आपने जो चयन प्रक्रिया है उस पर ही प्रश्न उठा दिया। जी जी, खबरें अभी तक पे मुझे लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें जो राष्ट्रपति बाल पुरस्कार है, इसमें एक खेल कैटेगरी होती है जी। ब्रेवरी के अलावा आपको मैं करेक्ट कर दूं, 49 बच्चों को इन्होंने अवार्ड दिया है राष्ट्रपति जी ने जी, और खेल के आधार पे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वो जिस कैटेगरी में देते हैं खेल के अनुसार, उनकी उनका क्राइटेरिया है कि या तो स्टेट लेवल का मेडल या नेशनल मेडल या इंटरनेशनल मेडल है तो उसको प्रायोरिटी है जी, और एज 18 ईयर से कम होनी चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मनु ने इस साल में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा, 18 साल से कम उम्र के जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया में, उन सबसे ज्यादा इसने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो इसके प्रति यदि इनका यदि क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट है तो मुझे समझाया जाए कि भाई मनु का इसलिए नहीं आया, हमने टाइम पे एप्लीकेशन दे दी, हमने टाइम पे जो उनका क्राइटेरिया था एप्लीकेशन अटैच करना, फोटो अटैच करना, डेट ऑफ बर्थ अटैच करना, वो किया हुआ है। यानी उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है ना, पे ये कह रहे हैं कि और फिर जवाब ना देना 15-20 दिन। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, जैसे सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को जैसे मैं कॉल करता हूँ वो उनके पास फोन भी होता है तो वो अपने पीए को दे देते हैं और कह देते हैं कि भाई कह दो साहब मीटिंग में, दिस इज टू मच, और मेल लिखा, मेल का जवाब तो दो। मैंने 25-26 मेल लिख चुका हूँ, अरे तुम जवाब दो, मेरा ये क्राइटेरिया है, यदि आप इससे बेटर कोई आता है तो मुझे भी बताओ, मैं भी करेक्ट करूँ अपने आप को। यानी एक खिलाड़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते, उनके पिता का फोन नहीं उठाया जा रहा है,
और जो विभाग के सचिव हैं वो साफ तौर पर मना कर देते हैं आपसे बात करने के लिए, यानी कुछ गड़बड़ आप मानते हैं इस मामले में हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि यदि ट्रांसपेरेंट होता है तो मुझे मेल का जवाब देता कि भाई आपकी बेटी इस लायक नहीं है अवार्ड के लिए, और पूरा देश जानता है यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची को यदि किसी एक बच्चे को कह दो कि उसने नेशनल में मेडल आया उसके बाद में योग्य है सर, ये पूरा हरियाणा जानता है कि मनु भाकर का नाम किस तरह से हमेशा जब भी कहीं भी खेलने जाती है तो अव्वल ही आता है और कई मेडल्स जीते हैं, ये पूरा हरियाणा पूरा देश जानता है सर, ये कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन गर्ल कहते हैं आपकी बेटी को, तो यदि ये कुछ है तो हाँ, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस भी अधिकारी की गलती है या ब्लैंडली आपने किसी को खुश करने के लिए दिया है तो फिर अवार्ड का औचित्य क्या, मत दो, क्यों पे वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो। आपने कितनी बार ट्राई किया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव से आपने बात करने की कोशिश की, आपने कहा कितनी बार ट्राई किया आपने? मैंने कम से कम भी लास्ट के 10 जनवरी से लेके 19 जनवरी 20 जनवरी तक मैंने लगभग रोजाना 8 से 9 बार ट्राई किया, और हर बार ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, मैं उनका नाम बता देता हूँ, एक जो सेक्रेटरी है उनका रविंदर नाम है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है आस्था मैम है, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो आरपी सिंह है, मैं तीनों को लगातार रोजाना 4 से 5 बार फोन करता था, लेकिन जवाब में ये आता था बाद में तो फोन काट देते थे कि आज आप जो है वही बात करोगे, टाइम नहीं है, हम बिजी हैं। यानी उनको मालूम था कि आप एक ऐसे खिलाड़ी के पिता है जिसने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, उन्हें मालूम था आप मनु भाकर के पिता हैं। जी बिल्कुल, मैंने उनको नोट करवाया और उनको मैंने मेल भी भेजा, इवन दो मैं आपको बता दूं जो अपनी बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके ऑफिस में भी मैंने कई बार ट्राई किया बात करने की जी, उनके पीए का भी लगभग यही जवाब था, किसी का जवाब संतोषजनक नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है। रामकिशन जी, इसमें ये भी देखा गया कि हरियाणा से कुछ खिलाड़ियों का चयन हुआ है पुरस्कार के लिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कि आपको लगता है कि उन खिलाड़ियों का चयन नहीं होना चाहिए था या वो इतने ज्यादा योग्य नहीं थे जितने मनु भाकर हैं? नहीं, मैं किसी भी जी, मैं किसी भी बच्चे के सिलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को क्यों इग्नोर किया गया है, कोई वजह है तो मुझे बताई जाए, कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो मुझे बताई जाए, या कोई गड़बड़ है तो भी मुझे बताई जाए, यदि आपकी मिस्टेक हुई है तो एडमिट करके भी मुझे बताई जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं किसी भी हरियाणा, ऐसा क्यों किया गया होगा अगर आपसे जानना चाहें हम, आपको क्या लगता है कि क्यों आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपके फोन कॉल्स नहीं उठाए जा रहे, और क्यों मनु भाकर को भी इग्नोर किया गया इस पुरस्कार को लेकर? मुझे ये लगता है कि मिनिस्ट्री अपने अपने चाहतों को खुश करने के लिए नाम पिकअप करती है, और वो अपने हिसाब से जो भी अधिकारी हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है कि स्कैम हो, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये फेयर कुछ है, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं कि ट्रांसपेरेंट है, तो उनको खुश करने के लिए दिया हो। जी, एक सवाल मेरा ये भी है यहाँ पर कि मनु भाकर से आपकी बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर, इस पुरस्कार को लेकर, क्योंकि मनु भाकर को भी उम्मीद होगी कि शायद उनका नाम इस पुरस्कार की लिस्ट में आ जाए, उनको शायद ये पुरस्कार मिल जाए, आपकी कोई बातचीत हुई है अपनी बेटी से? जी, सबसे सबसे दुखद बात यही है कि फॉर्म खुद मनु भाकर ने ही भरा था, और इसमें ये लिखा हुआ है कि खुद पेरेंट्स भरो या कोई भरो, खुद मनु नहीं भरा था, और वो ये आस लगाए बैठी थी कि ये तो छोटा सा अवार्ड है, क्योंकि पिछली बार उसको अर्जुन अवार्ड से मिस हुआ, उसका अर्जुन अवार्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं गया, उससे पहले भीमा अवार्ड के फॉर्म ही बंद कर रखे हैं हरियाणा सरकार ने, तो वो सोच रही थी कि भाई कम से कम ये छोटा सा अवार्ड है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। अब जब कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ है मनु भाकर का नाम, आपने कहा कि सभी जो नॉर्म्स थे वो पूरे किए गए, तो मनु भाकर ने उसके बाद कुछ कहा आपसे, बातचीत हुई उनकी, मनु भाकर का क्या कहना था इसके बाद? जी, मनु ने तो यही कहा था कि पापा मेडल लाए मनु भाकर, देश का झंडा ऊपर करे मनु भाकर, और जो अवार्ड की बात जब आती है तो वो ले जाए जो मिनिस्ट्री के जानकार लोग।
यानी मनु भाकर निराश हैं। बिल्कुल निराश है जी। ये तो कहीं ना कहीं रामकिशन जी ऐसा हो गया कि पूरी मेहनत की मनु भाकर ने देश के लिए, प्रदेश के लिए, और आखिरकार जो अब खामियाजा इस तरह भुगतना पड़ेगा। मनु भाकर ने कभी सोचा नहीं होगा कि कम से कम यहां सम्मान तो मिलना चाहिए था उसको। यही मन में बातें थी मनु भाकर के। नहीं, जहां सम्मान की बात आती है उस टाइम पे इनके रिश्तेदार, जानकार, पहचान वाले वो आ जाते हैं। यानी आप अधिकारियों पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। तब तो ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने तो अपनी बेटी को यही कहा कि बेटा अवार्ड को छोड़ो, अवार्डों के बारे में बात मत करो, जो किस्मत में होगा मिलेगा, लेकिन हम चुप बैठे तो भी गुनाहगार है ना। यदि उसके पास काबिलियत है और ये कोई गलत हो रहा है तो हम भी तो गुनाहगार है ना। वो तब कहेंगे कि सिस्टम में गड़बड़ थी तो आपने बताया क्यों नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल, मनु भाकर अभी कहाँ है? अभी फिलहाल, अभी यदि अभी इस टाइम की बात करो तो अभी भी वो प्रैक्टिस कर रही है जी, यानी अभी भी खेल में व्यस्त है ताकि आने वाले समय में भी कई मेडल्स अपने नाम करे, देश के नाम करे। अभी भी कोशिश जारी है मनु भाकर की, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हौसला पस्त करने की एक कोशिश है। लेकिन जो हौसले हैं बुलंद हैं मनु भाकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में भी कई मेडल्स वो देश के लिए जरूर जीतेंगी और हमें उम्मीद है रामकिशन जी की ऐसा जरूर होगा। और बेशक आपके साथ गलत हुआ, इस पर जरूर मिनिस्ट्री को या फिर अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबर अब तक से जुड़ने के बाद अपनी बातों को सामने रखा और यह भी बताया कि मनु भाकर के इस पूरे मामले को लेकर विचार क्या थे। मनु भाकर बहुत निराश है कि मनु भाकर के साथ ऐसा क्यों किया गया और मनु भाकर के पिता भी काफी खफा हैं सरकार से ही। यह भी आपको जानकारी हम दे दें कि रामकिशन जो कि मनु भाकर के पिता है, उन्होंने खुद स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है उनको भी ट्वीट किया है। अब आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि क्या रीट्वीट होता है उनका ट्वीट, क्या कोई जवाब मिनिस्ट्री की ओर से आता है या नहीं।